गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, संस्कृत व्याकरण क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने लिया है आपके लिए क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल की अपूर्ण क्रिया का बोध कराने के लिए किया जाता है। वर्तमान काल यानी जो अभी आप काम कर रहे हैं, और अपूर्ण यानी जो आप कर रहे हैं लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो ये काम अभी वर्तमान में चल रहे हैं लेकिन पूरे नहीं हुए। तो इस तरह के वाक्य जब हो तो उनका प्रयोग करने में हम धातु के साथ कौन सा प्रत्यय जोड़ सकते हैं? आपके क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ सकते हैं। क्षत्रिय प्रत्यय को किसी भी धातु के साथ जोड़ने का मतलब है आपको धातु के साथ जोड़ना है अन, अंति, अत। पुल्लिंग का पद बनाने के लिए अन, स्त्रीलिंग का पद बनाने के लिए अंति, और नपुंसकलिंग का पद बनाने के लिए अत। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि अपनी संस्कृत में कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनके दो रूप होते हैं। जैसे ये आपकी गम धातु, इसका दूसरा रूप है आपके गच्छ। ये आपकी धृष धातु, इसका दूसरा रूप है आपके पश्च। ये आपकी पा धातु, इसका दूसरा रूप है आपके पिब। ये आपकी दा धातु, जिसका दूसरा रूप है आपके यच्छ। तो आपने कुछ धातुएं हैं जिनके दो रूप होते हैं। तो अगर क्षत्रिय प्रत्यय को ऐसी किसी धातु के साथ आपको जोड़ना है तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि क्षत्रिय प्रत्यय ये जो इसका मूल रूप होता है धातु का, इसके साथ नहीं जोड़ती। यानी सवाल में वो आपको देगा कि गम धातु के साथ क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ करके पद बनाइए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गम के साथ जोड़ेंगे। आप किसके साथ जोड़ना है? आपको जोड़ना है गच्छ के साथ। ऐसे अगर दिश के साथ जोड़ने के लिए कहे तो आपको जोड़ना है पश्च के साथ। अगर पा धातु के साथ जोड़ने के लिए कहे तो आपको जोड़ना है पिब के साथ। और अगर दा धातु के साथ जोड़ने के लिए कहे तो आपको जोड़ना है यच के साथ। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, आप तो कह रहे हैं पट धातु के साथ क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ करके आप पुल्लिंग का पद बनाएंगे, तो पट के साथ जोड़ना है आपको अन। अधूरा व्यंजन है, अधूरे व्यंजन को पूरा करने के लिए इसके बाद में स्वर होना चाहिए। जब स्वर नहीं होता तो क्या होता है? इट का आगम होता है। लेकिन यहाँ पे अधूरे व्यंजन के बाद आपको स्वर दे रखा है, तो आपका अधूरे व्यंजन स्वर से ही मिलकर पूरा हो जाएगा। यहाँ पे इट का आगम फिर नहीं होगा, इटका मिल जाएगा आपका अ से, और ये पुल्लिंग पद बन जाएगा आपका पठन। अब पट धातु के साथ क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ के आपको स्त्रीलिंग का पद बनाना है, तो पट के साथ जोड़ना है आपको अन्न। अधूरा व्यंजन आपका आगे स्वर दे रखा है, इससे मिलकर पूरा हो जाएगा, स्त्रीलिंग का पद बनेगा आपके पठन। फिर आपसे कह रहे कि पट धातु के साथ क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ के आप नपुंसकलिंग का पद बनाइए, तो पट के साथ जोड़ना है आपको अन्न। ये आपका अधूरा व्यंजन, आगे आपको स्वर दे दिया, इससे मिलकर पूरा हो जाएगा, पूरी पद बन जाएगा आपका पठन। पठन, पठंती, पठन। अब धातु को हम बदल देंगे। अब आपसे कहते हैं कि धृष धातु के साथ क्षत्रिय प्रत्यय जो हो गया पुल्लिंग का पद बनाइए, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वो धृष धातु के दो रूप होते हैं, और जिन धातुओं के दो रूप होते हैं जो आपका क्षत्रिय प्रत्यय है वो मूल धातु के साथ नहीं जुड़ता, बल्कि जिसका दूसरा वैकल्पिक रूप होता है उसके साथ जुड़ता है। तो धृष धातु का वैकल्पिक रूप है आपके पश्च, तो पुल्लिंग में पश्च के साथ जोड़ेंगे आप अन्न। अधूरा व्यंजन आगे वाले स्वर के साथ मिलकर पूरा होगा, और ये पद बन जाएगा आपका पश्च। स्त्रीलिंग में आपको धृष धातु के साथ क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग का पद बनाना है, तो आपको पश्च के साथ जोड़ना है अंति। अधूरा व्यंजन स्वर के साथ मिलकर पूरा, और ये पद बन जाएगा आपका पश्चिम। इसी तरह जब हम नपुंसकलिंग का पद बनाएंगे तो धातु तो दी होगी आपको धृष, लेकिन अपन पश्च के साथ जोड़ेंगे अत। अधूरा व्यंजन स्वर से मिलकर पूरा, और ये पद बन जाएगा आपका पश्चिम। पश्यंत, पश्यंती, पश्यत। हम फिर से धातु बदल लेते हैं। अब हमने ले लिया आपकी गम धातु। आपको ध्यान रखना है कि गम धातु के भी आपके दो रूप हैं, एक गम और एक गच। गम क्योंकि मूल रूप है और क्षत्रिय प्रत्यय मूल धातु के साथ नहीं जुड़ता, इसका वैकल्पिक रूप है आपके गच। क्षत्रिय प्रत्यय हमेशा वैकल्पिक रूप के साथ जुड़ेगा, तो ये नहीं आप गच। अधूरा व्यंजन है, आगे आपको स्वर दे रखा है, इसी मिलकर पूरा होगा, तो ये पुल्लिंग का पद बन जाएगा आपके गच्छन। स्त्रीलिंग में करेंगे तो गम की जगह लेंगे अपन गच। अधूरा व्यंजन आगे वाले स्वर से मिलकर पूरा होगा, और स्त्रीलिंग का पद बन जाएगा आपके गच्छन।
इसी तरह हम बंध धातु के साथ शत्रु प्रत्यय और नपुंसक लिंग का पद बनाएंगे, इसका मतलब हम गच्छ के साथ जोड़ेंगे अत। अधूरा व्यंजन आयु वाले स्वर से बिल्कुल पूरा होगा और ये पद बन जाएगा आपका गच्छ, गच्छन, गच्छन्ति, गच्छ। तो ये था आपका शत्रु प्रत्यय। इसी कड़ी को कल हम फिर से आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।